हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे और उम्मीद करते हैं आप लोग भी अच्छे और बहुत ही स्वस्थ होंगे। तो मौसम के बारे में कुछ बता दें कि ठंडी तो चली गई है और अब आ रही है गर्मी। तो गर्मियों में दिक्कत यही होती है कि बस ज़्यादातर लाइट ही नाटक करती है और कोई बात नहीं होती। और मच्छर तो जैसे दिमाग ही इस टाइम, क्या बताएं, मच्छर क्या करेंगे इस बार, बैठने तो देते ही नहीं है। तो हमने कुछ जुगाड़ निकाला है, कुछ उपाय निकाले हैं कि ये देखिए, हमने बनाए हैं हाथ वाले पंखे, बहुत सारे बनाए हैं। क्योंकि हम लोग गांव में रहते हैं तो हम लोगों के यहाँ लाइट कुछ ज़्यादा ही नाटक करेगी। कहीं लाइट बिगड़ जाएगी, कहीं हवा चलेगी तो कहीं खंभा गिर जाएगा, कहीं बारिश होगी तो कहीं तार टूट जाएंगे। तो दो दो तीन तीन दिन लाइट ही ना आए तो गर्मी में हम लोग क्या करेंगे। इन्वर्टर भी नहीं है और जिसके घर में इन्वर्टर है तो लाइट ही नहीं आएगी तो चार्ज कहाँ से होगा। बस यही सब दिक्कतें हैं गांव में। तो इसके लिए हम लोगों ने मतलब थोड़ी सी शुरुआत की है। बस अधिकतर लोगों के घर में होते हैं ये इस तरह के हाथ वाले पंखे, ये ऐसे ऐसे तो बहुत लोग बनाते हैं। कोई बोरी के बनाते हैं, कोई ऊन के बनाते हैं, कोई कपड़े के बनाते हैं, कोई हर तरह के बनते हैं। तो हमने बनाए हैं इस तरह के कपड़े के, ये देखिए। और ये कुछ तो कंप्लीट कर दिए हैं, कुछ अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं। आज मम्मी जो है डंडी वंडी लेके आई थी, लगाई थी, मगर कुछ तबीयत गड़बड़ थी तो हम ज़्यादा लगा नहीं पाए हैं। अब किसी और दिन लगाएंगे। ये देखिए, ये देखिए, इस तरह की झालर लगाई है ताकि देखने में अच्छा लगे। और इस हाथ वाले पंखे की खासियत ये है कि अगर बाय द वे हम लोग हाँकते हाँकते इसको सो गए और या कहीं इस पे बैठ गए तो टूटेगा नहीं और गड़ेगा भी नहीं। और सोते अगर हाँकते हाँकते इसको सो भी गए तो ये चेहरे पे चपेट नहीं मारेगा और जो है बस खूबसूरती भी इसकी बहुत ज़्यादा है। ये देखिए, और डंडियाँ भी ला के दी है मम्मी, इसमें हमने ये लगा दिया है। अब इसको इसमें लगा के सिलना है बस। तो किसी दिन टाइम निकाल के अब ये भी कर देंगे क्योंकि इस टाइम मौसम बहुत बेकार हो रहा है तो तबीयत कुछ ज़्यादा ही डाउन हो रही है। इसमें ऐसे लगा कर सब सिलाई करना है। दो तीन दिन से यही बना रहे थे कि ढेर सारे बना के रख ले कि गर्मी भी आ गई है और दीदी के लिए भी बनाने थे तो दीदी को भी बना के दे दिया है। ये देखिए कैसे लगी आप लोगों को, कमेंट में जरूर बताना। देखिए पास से, ये देखिए, ये हमने फूल लगा दिए खूबसूरती के लिए। ये देखिए, और बहुत आरामदेह हैं, बहुत वजन नहीं, बहुत हल्के हैं एकदम। चाहे जितनी देर तक हाँको, हाथ दर्द भी नहीं करने हैं। तो आप लोगों को बनवाने हैं अगर तो कमेंट में जरूर बताइएगा। और जिसको जिसको ये बनाना नहीं आता है तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं और मैं आप लोगों को अगली वीडियो में बनाना सिखा भी दूंगी, ठीक है। ये देखिए बहुत सारे हैं, मेरी बेटी मुझे बुला रही है। तो ठीक है, फिर तब तक के लिए बाय बाय। और जिसको भी बनवाना होगा ऑर्डर ज़रूर दे देना, मुझे पूछ भी लेना, कमेंट करना, मैं आप लोगों को बता दूंगी। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।